हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक मुझे अच्छा पोजिशनल यहां पे ट्रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। किस लेवल पर आपको ट्रेड लेना है, क्या आप लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है, किस लॉजिक के साथ हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे कि आगे फ्यूचर में आप लोगों को ये चीज़ जो है एक अच्छे ट्रेडर बनने में काफ़ी मदद करने वाला है। साथ ही साथ लेवल्स को भी नोट डाउन अगर कर लेंगे तो आपको जो है उस लेवल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है लगातार इसी टाइप का एनालिसिस कंटेंट जो है इस चैनल पर डालते रहते हैं। साथ ही साथ जो है अपना लर्निंग एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा मूव हुआ, उसके बाद आपको पुल बैक रैली हुआ। यहाँ पे आज एक समय के लिए आपको निफ्टी ने 7900 का लेवल भी यहाँ पे क्रॉस किया, बट आप लोगों को पता है जो लोग भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक हम लोग जो है इस मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं निकलता है, हम लोग शॉर्ट करने के लिए नहीं देखते हैं। उसके बाद आप देखिए इस रेंज में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, और सेकेंड हाफ में जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला इस कैंडल पे। इस कैंडल पे 7950 के ऊपर जो है एक आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और जो है क्लोजिंग प्राइस आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, आपको ऊपर क्लोजिंग प्राइस हुआ, ओपनिंग प्राइस के ऊपर हुआ है, और नीचे से बहुत अच्छा जो है आपको निफ्टी रिकवर किया है। 18,000 के लेवल के जस्ट ऊपर जो है आपको क्लोज हुआ है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मुझे पोजिशनल सेटअप लग रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट आपको डायनेमिक सपोर्ट है मूविंग एवरेज का, 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर थोड़ा सा एक तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे था 7950 के ऊपर, अगर जहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था तो ये जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी था जहाँ पे जो है आपको लेना चाहिए था, लेकिन जो लोग भी मिस किए हैं तो वो लोग एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक का वेट कर ले, क्योंकि अगर आपको कल निफ्टी गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पे वेट करना है। कल जैसा मेरा आपको एक्सपीरियंस है या फिर प्राइस सेटअप जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मुझे आपको डेफिनेटली लग रहा है जो निफ्टी जो है आपको समवेयर अराउंड ऊपर ही खुलेगा, 18,090 या 18,080 के लेवल पे निफ्टी को जो है यहाँ पे खुलना चाहिए जिस हिसाब से प्राइस सेटअप है। उस केस में आपको यहाँ पे वेट करना है, आपको इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उस केस में आपको इस पुल बैक का वेट करना होगा। एक बार के लिए आप इस पुल बैक का वेट कर लीजिए, समर राउंड आपको 18,000 के आसपास जो है यहाँ पे पुल बैक होके मिलेगा एक बार के लिए निफ्टी। तो वहां पे अगर आप उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बुलिश साइन दिखता है, कुछ इस टाइप का आपको पैटर्न दिखता है, जैसे आज आपको यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ पे आपको कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो इसी टाइप से जो है आप पहले इसको पुल बैक लेने दीजिए। पुल बैक लेने के बाद अप ट्रेंड का साइन शो करने दीजिए। मैं बार बार इसलिए अप ट्रेंड का साइन शो करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि सपोज अगर ये पुल बैक है तो मे बी ये डाउनवर्ड भी जा सकता है, मार्केट है, मुझे नहीं पता जो ये आपको कहाँ जाने वाला है। तो इसलिए बेटर है जो आप मार्केट को वेट कीजिए, मार्केट को बताने दीजिए जो हाँ ऊपर जाने के लिए अब वो रेडी है। तो अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो नो डाउट यहाँ से आपको जो है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ज़्यादा में मिला, लेकिन यहाँ पे एक तरह से आपका अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया है। तो इसलिए बेटर है जो बेटर प्राइस के लिए वेट कीजिए। तो आपको अगर गैप अप खुलता है, निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है पुल बैक का। इनकेस अगर गैप अप नहीं खुलता है, सपोज अराउंड ये 7950 के लेवल पे खुलता है या आपको फ्लैट खुलता है निफ्टी, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का वेट कीजिए, और अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल फर्स्ट 15 मिनट में भी बनता है तो आप जो है यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 17850, तो ऑलमोस्ट अगर आपको 17950 पे मिलेगा तो ऑलमोस्ट आपके लिए 100 पॉइंट का एसएल होगा। ये पोजिशनल होगा, आपको जो है एक वीक के अराउंड जो है पोजिशन को होल्ड करना पड़ सकता है, आपको 200 to 300 पॉइंट का जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है जो लोग भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं निफ्टी में, तो वो लोग जो है ये ट्रेड को ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर गैप अप खुलेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको जो है वेट करना है पुल बैक का। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे अगर आपको एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है
कुछ इस टाइप का अगर एक बुलिश मारुबुजु कैंडल यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लीजिए। आपका स्टॉप लॉस जो है 17850 होगा, टारगेट आपके स्टॉप लॉस का डबल होगा। अब बैंक निफ्टी चलते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप लोगों को याद होगा तो जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ पे मैंने आपको अपडेट किया था, जो इस लेवल तक मैं बैंक निफ्टी में एक पुल बैक देखता हूँ। मार्केट नो डाउट आपको यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, बट उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा रिकवर किया। इस रेंज में काफ़ी अच्छा आपको जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। 38-50 के रेंज में जो है यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद आपको बैंक निफ्टी में रैली जरूर हुआ, बट ये आपको उतना अट्रैक्टिव रैली नहीं हुआ है। और अगर आप इंडिविजुअली चार्ट जाके खोल के देखेंगे SBI का, HDFC का, एक्सिस का, तो आपको क्लियर वहाँ पे चार्ट में एक पुल बैक का जो है पॉसिबिलिटी वहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बैंक निफ्टी में एक बार के लिए पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये पुल बैक आपको जो है 38300 के लेवल तक यहाँ पे जो है आपको ला सकता है। 38300 के लेवल पे अगर आपको इस लेवल पे ही अगर बैंक निफ्टी मिलता है, अगर गैप डाउन खुलता है या फिर अगर आपको फ्लैट ओपन होता है, तो इस लेवल पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है 38300 के लेवल पे, तो यहाँ पे जो है आपको एक अप ट्रेंड का साइन का वेट करना है। और अगर अप ट्रेंड का साइन आपको यहाँ पे शो करता है तो आपको जो है यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 38000 के नीचे, ये भी एक पोजिशनल ट्रेड होगा। आपको 300 का स्टॉप लॉस रखना है, 600-700 आपका टारगेट होगा, लेकिन पुल बैक के लिए वेट कर लीजिए। अगर ये गैप अप ओपन होके निकल जाता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने का, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये आपको गैप अप ओपन हो जाता है तो कोई नहीं, आप वेट कर लीजिए। कल नहीं पुल बैक आएगा, परसों आएगा, एक दो दिन के बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि प्राइस अपने एवरेज प्राइस के पास ज़रूर आएगा। इसलिए जो है आपको वहाँ पे वेट करना है। अगर फ्लैट खुलता है या इस प्राइस पे सपोर्ट लेने के लिए आता है, आपको वहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब ट्रेंड का साइन अगर आपको वहाँ पे दिखता है, तो अगर गैप अप खुल जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड को इग्नोर कर देना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पोजिशनल ट्रेड होगा। दोनों का ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप लोग लेवल्स भी नोट डाउन कर लीजिए, इन केस मैं अपडेट नहीं कर पाया तो आपको ट्रेड लेने में जो है काफ़ी हेल्प होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है लॉजिक समझ में आ गया होगा, लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।